अखिलेश का एक आदेश, शिवपाल यादव और अवधेश की जोड़ी तो योगी के पीछे लग गई। सपा की ओर से कटहरी शिवपाल संभालेंगे, मिल्कीपुर का जिम्मा अवधेश पासी को मिला। अब योगी को दोनों कद्दावर नेता से करना होगा मुकाबला। मिल्कीपुर और कटहरी सीट के जातीय समीकरण पर किसकी रणनीति का रहेगा दबदबा, जानिए सियासत की जमीन की असली सच्चाई। सपा में रणनीति बनाने में माहिर शिवपाल यादव हैं, ये विरोधी बखूबी जानते हैं। तो अवधेश पासी ने बीजेपी की राजनीति के साथ इस लोकसभा चुनाव में क्या किया वो किसी से छिपा नहीं। पासी ने बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को तहस नहस करके रख दिया। इसका सबसे ज्यादा असर या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति पर पड़ा या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। पीएम मोदी तो इस हार से जैसे तैसे उबर गए, लेकिन सीएम योगी अब भी इस हार को पचा नहीं पाए। इसीलिए तो इस हार के दंश से उबरने के लिए एक बड़ा टास्क लिया, जिसे जीतना सीएम योगी के लिए आसान नहीं। एक तरह से देखा जाए तो सीएम योगी मिल्कीपुर और कटहरी सीट अपने जिम्मे में लेकर अपनी राजनीति के साथ खेल कर गए। खेल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इन दोनों सीटों के लिए अखिलेश ने सपा के दो कद्दावर नेताओं को जिम्मेदारी दी है। वो कद्दावर नेता शिवपाल यादव और अवधेश पासी हैं। यही नहीं, इन दो सीटों की जातीय समीकरण ऐसी है जिसे देखेंगे तो यही कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह फैसला उनकी राजनीति के लिए आत्मघाती है। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव को अंबेडकर नगर स्थित कटहरी विधानसभा उपचुनाव की बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सपा सांसद अवधेश पासी को सौंपी गई है। अंबेडकर नगर स्थित कटहरी विधानसभा सीट सपा का मजबूत किला मानी जाती है। इससे पहले भी सपा नेता लालजी वर्मा यहां से विधायक थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। लालजी वर्मा के सांसद चुने जाने के चलते कटहरी विधानसभा सीट खाली है। ठीक इसी तरह अवधेश पासी मिल्कीपुर से विधायक थे, सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गए। इस पर उपचुनाव होने हैं जिसको लेकर बीजेपी और सपा तैयारी में लगे हैं। चलिए अब आपको कटहरी और मिल्कीपुर के जातीय समीकरण से वाकिफ कराते हैं। मिल्कीपुर में लगभग 65,000 ब्राह्मण, 55,000 पासी, 22,000 कोरी, 15,000 हरिजन, 25,000 क्षत्रिय, 23,000 मुस्लिम, 20,000 चौरसिया, 17,000 बनिया और 55,000 यादव मतदाता हैं। सुरक्षित सीट होने के कारण सभी पार्टियों के प्रत्याशी दलित बिरादरी से होंगे। इस बार बीएसपी और चंद्रशेखर रावण भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब इस जातीय समीकरण को देखते हुए भी सीएम योगी ने सीट अपने हिस्से में क्यों ली, ये समझ से परे है। वही कटहरी विधानसभा सीट पर कुल 18.5 लाख से ज्यादा मतदाता है। इनमें 4 लाख दलित और 3,70,000 मुस्लिम हैं। इसके अलावा यहाँ 1,78,000 कुर्मी, 1,70,000 यादव, 1,35,000 ब्राह्मण और 1,00,000 ठाकुर मतदाता हैं। इसीलिए मिल्कीपुर और कटहरी का चुनावी गणित और समीकरण दिलचस्प होने वाला है। इसी के अनुसार पार्टियां भी तैयारी में जुट गई हैं।